Chapter number 9, Introduction to the Database and Management System. तो फास्ट फॉर्म इसको रिकॉल करवा के नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं. लास्ट में हमने यही सब पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था. सबसे फर्स्ट डेटाबेस का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज अ डेटाबेस, जो मोस्टली यूज किया जाता है अभी के लिए डेटा कलेक्ट करना. डेटा के अंदर क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल दिया जाए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फाइल, मेंटेन ऑर्गेनाइज सर्च इंजिन लाइक गूगल है, रिजर्वेशन सिस्टम जैसे बुक माई शो है, ओके, ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट, नेट बैंकिंग जैसे पेटीएम है, अमेजोन पे, गूगल पे है, ऑनलाइन टैक्स टैक्स फिलिंग लाइक जीएसटी है, टैक्स है, स्टॉक ट्रेडिंग मीन शेयर मार्केट बिजनेस, जो पूरे वर्ल्ड का बिजनेस चलता है जो ऑनलाइन चलता है, राइट. इसके अंदर ये सब पॉइंट क्लैरिफाई करना हो तो ये सब इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा यहाँ पे हम नॉर्मल यूजर की तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूजर को कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, डॉक्टर यूज कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, शॉप स्टोर ऑनर जैसे मॉल के अंदर होता है, ब्रोकिंग एजेंट, ओके, शेयर मार्केट वाला, एजुकेटर्स यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट यूज कर सकते हैं. जैसे हमारा बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ओके, मैंने आपको लिंक बना के दी, तो लिंक एक्चुअली है क्या, डेटा है, ओके. जैसे आप उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए आप जैसे वो लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, आप क्या हो जाते हो, ज्वाइंट हो जाते हो, ओके. उसके जैसे यहाँ पे पॉइंट समझाया हुआ है. ओके, उसके बाद उसके अंदर हमने और भी पॉइंट क्लैरिफाई किया था, कौन से पॉइंट थे, जैसे टेक, ये सब हम करते क्या है, टेक द बेस्ट डिसीजन. जैसे आपको अपने 11 12 के अंदर अच्छे से प्रोग्रेस करना हो तो आपके 11 के डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैथ्स में कैसा है, केमिस्ट्री में कैसा है परफॉर्मेंस है, बायोलॉजी में कैसा परफॉर्मेंस है. तो इंफॉर्मेशन इज अ आउटपुट जनरेटेड प्रोसेसिंग थ्रू द रो डेटा, और रो डेटा का मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन. और आपको पूछा गया, दो वर्ड है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज अ डेटा, गिव मी डेफिनेशन, व्हाट इज अ डेटा, ऑल काइंड ऑफ द फैक्ट फिगर एंड डिटेल्स रिलेटेड टू पीपल प्लेस, इसको क्या बोला जाता है, डेटा. डेटा विटन में हो सकता है, ऑरल हो सकता है, कंप्यूटराइज हो सकता है एंड नॉन कंप्यूटराइज है, ये सब डेटा है. बट व्हाट इज इंफॉर्मेशन अदर एंड द प्रोसेस ऑफ द डेटा, ओके, और उसका मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, टेकिंग टाइमली डिसीजन बेस्ड ऑन करेक्ट एंड डिलीवरेड इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बेनिफिटियल. उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई ये किया था भाई, डेटाबेस एंड डेटा मॉडल, टोटल कितने टाइप के डेटाबेस और डेटा मॉडल है. उसके अंदर सबसे फर्स्ट है डेटाबेस एंड डेटा मॉडल, अगेन टू डेफिनेशन. डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम स्टोर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, प्रॉपर वे में उसको मैनेज करना है, इसके अंदर रिलेटेड होना चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए. ऑर्गेनाइज मींस व्हाट, असाइनिंग डिसाइनिंग में अरेंज करना. और रिलेटेड का मीनिंग क्या होता है, जैसे स्टूडेंट के डेटा स्टूडेंट के पास होना चाहिए, ये टीचर्स का डेटा टीचर्स के पास होना चाहिए, बैंक का डेटा, ओके, टीचर्स के लिए काम करने और टीचर्स के लिए बैंक का डेटा कुछ काम करने है. और ऑर्गेनाइज मींस व्हाट, आपके मोबाइल में कैसे असाइनिंग डिसाइनिंग में अरेंज हो जाता है, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज मैनर, राइट. ये हो इसका मीन. उसके अंदर भी क्लैरिफाई किया है लाइक स्कूल बैग, स्कूल बैग के अंदर क्या क्या बुक एंटर करते हो, मैथ्स की बुक, बायोलॉजी की बुक, सब स्टोर करते हो ना, अलग अलग स्ट्रक्चर है. और जब भी हमको चाहिए एक में से सब डेटा मिल जाएगा, हम भी ऐसे ही करते हैं. सबसे पहले मोबाइल के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यस या नो. जैसे मेरा नाम आप एंट्री करते हो, नाम एंट्री करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट है. तो ये सब स्टेप जो हम
स्टडी करने की ट्राई कर रहे थे, यहाँ पर अभी यही सब हम काम करते हैं। तो इसका मेन पर्पस यहाँ पे यही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये वो उसका मेन न्यूज। नेक्स्ट देखते हैं, डेटाबेस आर डिजाइन अकॉर्डिंग द सर्टेन टूल्स। तो इसके अंदर कौन से हैं, उसको बोला जाता है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के अंदर मेन क्या है, एक हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। टोटल कितने कैटेगरी है, थ्री। कितनी कैटेगरी है, थ्री है। उसके अंदर भी क्लैरिफाई करना है आपको, रिलेशनल मॉडल हम सिलेक्ट करते हैं, ये किसने बनाया रिलेशनल मॉडल। तो इसके अंदर हमने ये क्लैरिफाई किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट का एक्चुअली मेन टास्क क्या है, एडिटिंग डेटा, रिमूव अननेसेसरी डेटा, ऑर्गेनाइज करना, रिट्रेवल, सिक्योरिंग डेटा, मेंटेन द बैकअप, अलाउ द मल्टीपल यूजर इन मल्टीपल लैंग्वेज और मल्टीपल प्लेस से आप यूज कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स इसके अंदर क्लैरिफाई किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट। और ये जो काम कर सकते हैं उसको बता डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो उसके एग्जांपल क्या है, आपको पूछा गया डेटाबेस मैनेजमेंट का फुल फॉर्म के, तो ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऑरेकल, इंग्रेस, DB2, SQL सर्वर, MySQL, MS Access एंड बेस। टोटल कितने सॉफ्टवेयर है DBMS को जो सपोर्ट करता है वो, बोलो रिपीट ओरेकल, करो। इंग्रेस, DB2, एसक्यूएल सर्वर, माय एसक्यूएल, MS Access एंड बेस। ओके, तो ये उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट अभी देखें, उसके अंदर भी जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में ओपन ऑफिस बेस। अभी उसका प्रैक्टिकल भी हम लास्ट में मैं समझा ही दूंगा, जिससे आपको कोई बाद में हेडेक ना हो। ओके, ये ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जो फ्री में मिलता है, और वो किसको सपोर्ट करता है, बेस नाम का सॉफ्टवेयर। बेस इज अ बेस ऑन रिलेशनल डेटा मॉडल। तो हमारे यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का ही सब स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं, और उसके ऊपर ही हमको फोकस करना है। तो इंट्रोडक्शन टू बेस, तो बेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट कॉल फॉर RDBMS दैट फॉलो द रिलेशनल मॉडल। उसके अंदर मेन है, अभी आप बोलोगे सर इसमें मेन क्या था, रिलेशनल मॉडल के अंदर डिजाइन फॉर EF कोड, और रिलेशनल मॉडल इज अ बेस ऑन थियरी सेट ऑफ द रिलेशनल मैथमेटिक। और DBMS का न्यू वर्जन कौन सा है, RDBMS, जो मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल है। क्यों, ये इजी टू अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा रिलेशनशिप एंड इजी टू मैनिपुलेट। मीन्स प्राइमरी के डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट है, बेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल्स। एप्लीकेशन मॉड्यूल्स का दूसरा नाम क्या है, बोलो कौन सा पेंडिंग है इसमें, कौन सा पेंडिंग है जो इसमें ऑप्शन नहीं है। कौन सा पेंडिंग है, कौन सा आएगा, टेबल। टेबल मीन्स व्हाट, ओके। एप्लीकेशन मॉड्यूल को क्या बोला जाता है, फॉर्म। एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्म। टेबल का मीनिंग क्या होता है, टेबल इज अ बेसिक यूनिट फॉर स्टोरिंग द डेटाबेस ऑफ डीबेस। टेबल का मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम।
यहाँ पे टेबल को बोला जाता है एंटिटी, ध्यान रखना, उसका अनदर नेम है। ओके, हम एक रिकॉर्ड बनाने की ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी थ्योरी से बेटर, ये टाइम ये जो कॉलम है ना उसको क्या बोला जाता है बोलो, फील्ड, फील्ड जो हेडिंग है उसको फील्ड हेडिंग बोला जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो रो है ना उसको रिकॉर्ड्स क्या बोला, रिकॉर्ड बोला जाता है। बट ये पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम को क्या बोला जाता है, टेबल। टेबल टेबल का दूसरा नाम क्या है, मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म एंटिटी किया, क्या, एंटिटी। देखो यहाँ पे एंटिटी भी बोला जाता है उसका। एंटिटी आर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट द विच इंफॉर्मेशन स्टोर द डेटाबेस। ओके, तो है एक्चुअली है, मतलब डीबीएमएस के अंदर कोई कॉलम को हम फील बोलते हैं, रो को रिकॉर्ड बोलते हैं, पूरे टेबल को क्या बोला गया, एंटिटी। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म, फॉर्म का मैंने क्या बोला था, एप्लीकेशन विजार्ड, राइट। फॉर्म के अंदर क्या काम कर सकते हैं, रिकॉर्ड को एंट्री कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, व्यू द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस किसके हैं, फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म एंड टेबल दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, तो ये भी हमने प्रोसेस क्लैरिफाई किया हुआ था। उसके बाद क्वेरी, क्वेरी का मीनिंग क्या है, अ क्वेश्चन आस्क्ड विद इन द डेटाबेस एनवायरमेंट नाउन एज अ क्वेरी, उसको हम क्वेरी बोलते हैं। ओके, तो ये हो उसका क्वेरी का यूज। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे रिपोर्ट। रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, जो भी हमने टेबल बनाया था। अभी देखो रिपोर्ट है ना दोनों का बनता है, फॉर्म का भी बनता है और क्वेरी का भी बनता है। ओके, फॉर्म टेबल और फॉर्म जॉइंट होता है, क्वेरी है ना वो भी ऐसा है, टेबल का भी बनता है क्वेरी और फॉर्म का भी बनाया जाता है। तो एक दूसरे के साथ ये सब जॉइंट होता है, और जो फॉर्म है, रिपोर्ट है, वो आपका फाइनल आउटपुट है, डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, जिसको बोला जाता है फाइनल आउटपुट। ओके, आपको पूछा है क्रिएटिंग अ सिंपल डेटाबेस फ्रॉम एप्लीकेशन, तो अभी इसके ये एप्लीकेशन के अंदर कितने पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे टोटल ये है। स्टेप नंबर फर्स्ट, टेबल एंटिटी फाइंड आउट करो, देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। स्टेप नंबर वन क्या होगा, डिसाइड व्हाट वोम डेटा टू बी स्टोर, तो हमको टेबल डिसाइड करना है। तो कौन सा टेबल मैं बना रहा हूँ, प्रोडक्ट नाम का टेबल वन, सप्लायर का प्रोडक्ट टेबल नंबर टू, एम्प्लॉय का टेबल नंबर थ्री और कस्टमर का टेबल नंबर फोर। ओके, इतना क्लियर हुआ, पर देखो ऑल आर दोज नॉन एज अ एंटिटी। तो मैंने पहले ही आपको क्लैरिफाई, टेबल को एंटिटी बोला जाता है, एंटिटी को टेबल बोला जाता है। सेम यहाँ पर भी हम ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करेंगे, वी विल डिजाइन फोर टेबल। देखो यहाँ पे वापस टेबल वर्ड है, तो एमसीक्यू के अंदर यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, प्रोडक्ट बोलो, सप्लायर बोलो, एम्प्लॉय बोलो या कस्टमर बोलो, ऑल आर टेबल ऑल्सो और एंटिटी ऑल्सो। स्टेप नंबर टू, हम अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट डिसाइड करेंगे, टेबल के एट्रीब्यूट कितने हैं वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, जो टेबल के अंदर। जैसे एग्जांपल, एट्रीब्यूट को वापस क्या बोला जाता है, फील्ड। ओके, दैट डिफाइन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी, समझाता हूँ। जैसे आपके टेबल का नाम है सप्लायर, तो उसके एट्रीब्यूट क्या है, सप्लायर नेम, एड्रेस लाइन वन टू, सिटी, पिन कोड, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट है। सेम एम्प्लॉय नाम का टेबल है, मीन्स एंटिटी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सब क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट है।
कस्टमर, कस्टमर के अंदर भी एक इतने सारे एट्रीब्यूट है, ओके, ये सब कस्टमर के एट्रीब्यूट। तो ये टेबल नंबर 3 हुआ, मीन्स एंटिटी 3। ये फोर्थ है प्रोडक्ट नाम का, ओके, तो इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो यहाँ पे लॉजिकल नेम एंड फिजिकल नेम। जैसे मैं आपको पूछू व्हाट्स योर नेम, तो जो भी आप आएंगे भाई शिवम हो या दीति हो, वो आपका फिजिकल नेम है। पर मैं आपको पूछू व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, तो आपका क्या हुआ, लॉजिकल नेम। और डिफरेंट, जैसे सोनल एंड मिनल वो नेम है, फिजिकल नेम है, बट मैं इसको फर्स्ट नेम बोलू तो उसका लॉजिकल नेम ही हुआ। ओके, तो ये सब आपको ऐसा पॉइंट क्लैरिफाई करना होता है। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं जो भी फील्ड नेम है उसके अंदर रूल्स क्या है। स्टार्ट ऑल एट्रीब्यूट विद नेम और लेटर से स्टार्ट होना है। उसके अंदर लेटर, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। डोंट डू नॉट यूज द स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। यूज एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। ओके, तो ये यहाँ पे यूज किया हुआ है। नेक्स्ट देखें स्टेप नंबर 3, डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ द डेटा वी वांट टू एंटर ईच एट्रीब्यूट। उसके अंदर क्लैरिफाई किया, डेटा टाइप इज द वे टू डिफाइन द स्टोरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट फील्ड। उसके अंदर क्या क्या क्लैरिफाई किया है, एग्जाम्पल मोर एक्यूरेसी लीड टू स्लोअर एंड यूज द मेमोरी। ओके, इसके अंदर डेटा टाइप सिलेक्ट करें, कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं बोलिए। मैंने आपको समझाया हुआ डेटा टाइप्स कितने कैटेगरी वाला है, कितना होगा, 3 या 4। 3 अल्फा न्यूमेरिक, इसमें अल्फा और न्यूमेरिक अलग है, कैलेंडर एंड बाइनरी। ओके, इसके अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं। देखें अल्फा न्यूमेरिक के अंदर वापस हम क्लैरिफाई करें, अल्फा के अंदर है मेमो, टैक्स, टैक्स एंड टैक्स। मेमो जो लॉन्ग वे चल रहे उसका 2 GB है। जब आपके लॉन्ग डिटेल्स हो लाइक फीडबैक, कमेंट, वो सब, टैक्स के अंदर कैरेक्टर टैक्स वैचर जो बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, इसकी साइज मिनिमम क्या होता है, 256 तक जा सकता है। जैसे नाम के अंदर कितने कैरेक्टर है उसके ऊपर डिपेंड है। वेर केयर लॉन्ग इग्नोर केस, ओके, वो नॉट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव से नहीं डिपेंड। अभी देखो यहाँ पे भी वो पॉइंट क्लैरिफाई किया, ध्यान ये रखना है टू मोर देन 255 हो, कहाँ तक 64, तो आपको मेमो यूज करना है। 255 से लेस हो तो टैक्सवेयर, टैक्सवेयर इग्नोर चेयर वो यूज कर सकते हो आप। इग्नोर केस का मीनिंग क्या होता है, आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो। जैसे जीमेल आईडी है कैपिटल में लिखते हैं या लोअर में लिखते हैं, लोअर, लोअर में, नहीं तो कैपिटल में लिखेगा तो भी अलाउड है, वो एरर नहीं जनरेट करेगा, देखना ट्राई करके एक बार देख लेना। ओके, लोअर में होना चाहिए, पर तू कैपिटल लिखेगा ना तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो दोनों के लिए सुटेबल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ASCII, ASCII का फुल फॉर्म मैंने क्या बोला था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट्स क्लैरिफाई किया, यूनिकोड, यूनिकोड मीन्स व्हाट, जैसे मोबाइल के अंदर किसमें भी आप यूज करते हो जो भी डेटा है वो सब बाइट में होता है। कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज में समझ में आता है 01, वो हमारे लिए कैपिटल ए है, स्मॉल है। जैसे आप स्मॉल ए लिखते हो ना उसका ASCII कोड है 97,
कैपिटल ए लिखते हो ना, उसका ASCII कोड है 65 है ना। ये सब कोड है, आई थिंक 10th के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर क्लैरिफाई किया होगा तो आपको समझ में थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर हो जाता। ओके तो ये को आपको यूनिक कोड हो, अल्फा हो, तो इसमें कैरेक्टर UFT मिस यूनिवर्सल टैक्स मॉडिफायर 8। ओके उसके अंदर दो दोनों का कॉम्बिनेशन है, UFT ASCII एंड यूनिकोड दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक टाइप मीन्स व्हाट, इसमें नंबर होता है। उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, बुलियन, बुलियन का आंसर क्या होता है, यस एंड नो। कितने बाइट रिजर्व करता है, 1 बिट करता है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। टाइन इंटीजर उसकी है 1 बाइट, स्मॉल इंटीजर 2 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, बिग इंटीजर 8 बाइट, न्यूमेरिक नो लिमिट, डेसिमल नो लिमिट, रियल 4 बाइट। रियल का दूसरा नाम है फ्लॉट, बट उसकी रेंज है, बुलियन की रेंज है 0 to 7, टाइन इंटीजर की रेंज है 0 to 255, और स्मॉल इंटीजर का पूछा जाए और यहाँ पे रेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों साइड चलता है। ओके ये एक बार यूज करो। इसमें जो फर्स्ट है ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये बिग इंटीजर से लेके टाइन इंटीजर, इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, वॉल नंबर, कंप्लीट नंबर, इसमें पॉइंटिंग अलाउड नहीं है। बट लास्ट टू है सिंगल एंड रियल, उसमें पॉइंटिंग वैल्यू ही एंटर कर सकते हो आप। ओके ये हो उसका मेन यूज। अभी देखिए नेक्स्ट, कैलेंडर टाइप। कैलेंडर के अंदर क्या होता है, मैं आपको ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकेंड, ओके मिक्स ना हो जाए ध्यान रखना। ये कैलेंडर लिनक्स के कमांड भी है कैल, और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर डेटा टाइप भी है, तो मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। ओके इसके बाद यहाँ पे ईयर, मंथ एंड डेट, तो लिनक्स के अंदर कौन सा कमांड था, डेट दिखने के लिए कौन सा कमांड था, डेट स्पेस प्लस परसेंटेज कैपिटल डी स्मॉल डी। मैंने लास्ट में जो वीडियो बना के आपको भेजा हुआ है वो पूरे टेक्स्ट बुक के पीछे का कंक्लूजन है लिनक्स का। आई होप सो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया भी था। डेट के अंदर डेट, टाइम एंड टाइम स्टैम्प, डेट है ना, डेट के अंदर मंथ, डे एंड ईयर आता है। जब लिनक्स के कमांड के अंदर था डेट कमांड, उसमें डेट एंड टाइम दोनों आता था, पर आपको ओनली फॉर डेट डेट चाहिए तो प्लस परसेंटेज कैपिटल डी लिखते थे हम, याद आ रहा है ऐसा, स्मॉल डी लिखते थे। तो ये सब पॉइंट्स हमको क्लियर होना चाहिए, टाइम, आवर, मिनट एंड सेकेंड, और टाइम स्टेप है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, डेट का भी एंड टाइम का भी। बाइनरी डेटा टाइप्स, बाइनरी का मीनिंग क्या होता है, जो भी डेटा टाइप्स है ओके वो फिक्स नहीं हो। कैसा बाइनरी डेटा टाइप्स में क्या होता है, बोलो बाइनरी डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या है, जो फिक्स ना हो, जहां आपका डेटा है जो डिजिट में हो, रीडेबल फॉर्मेट में, रीडेबल फॉर्मेट में हो, लाइक ऑडियो फाइल है, MP3 है, JPG है, जैसे WhatsApp के अंदर DP सेट करते हैं, वो भी एक डेटा ही है ना, JPG, MP3, MP4, हम WhatsApp में वीडियो भी ऐड करते हैं, तो एक डेटा टाइप ही है, बाइनरी डेटा टाइप बोला जाता है। ओके उसके अंदर इमेज, बाइनरी एंड बाइनरी फिक्स, ये पॉइंट्स है। उसके अंदर सबकी साइज है 2 GB, उसके अंदर डेटा जो है ना वो एरे ऑफ बाइट में होता है। एरे का थोड़ा कंसेप्ट आपने सी में स्टडी किया है, और जो एरे का पूरा चैप्टर्स है जो हम जावा के अंदर नेक्स्ट ईयर स्टडी करने वाला है, मीन्स जावा के अंदर,
तो ये पॉइंट्स वापस रिपीट होने वाला है। जितना बेसिक फंडामेंटल क्लियर आपका 11th का होगा, इतना ही 12th में आपके लिए इजी रहेगा। इसके लिए मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन, साथ में यूट्यूब के वीडियो भी भेज रहा हूँ, इनकेस को लेक्चर मिस हो गया हो तो वहां से रिकवर भी कर सकते हो, साथ में थियरी और प्रैक्टिकल। ओके, तो आपको पूछा गया बाइनरी के अंदर साउंड आ सकता है, वॉइस मैसेज आ सकता है, ओके MP3 मीन्स ऑडियो भेज सकते हो, TIF टैग इमेज फाइल फॉर्मेट हो सकता है। ओके, तो ऐसा एग्जाम में पूछा गया, और JPG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप और MP3 और MP4 भी यूज कर सकते हैं। और इसका मोस्टली क्या होता है, 0 और 1s के साथ ही डेटा टाइप यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें। देखो टोटल ये टेबल हमने एंटिटी सप्लायर एम्प्लॉय बनाया था, और इसके अंदर फील्ड थी, फील्ड को क्या बोला था बोलो तो अभी, एट्रीब्यूट, बट उसका डेटा टाइप भी हमने टैक्स वायर चेयर ये सब डिसाइड किया है। देखो कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पे इंटीजर लिया है, कॉन्टेक्ट नंबर पर्सन है, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, उसके लिए इग्नोर केस लिया हुआ है। सेम एम्प्लॉय वो एंटिटी है, टेबल भी बोला जाता है, ये फील्ड बोला जाता है, फील्ड के अंदर क्या होता है एट्रीब्यूट होता है, और ये डेटा टाइप्स हैं। कहीं टाइम हमने डेट यूज किया है, देखो यहाँ पे डेट डेटा टाइप का यूज किया हुआ है, जहाँ बर्थ डेट है, जॉइनिंग डेट है। ओके, और डेट के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर है, MMDDYY हो सकता है, DDMMYY। इंडिया में कौन सा स्ट्रक्चर यूज करता है, DDMMYY। यस, ओके, तो उसके हिसाब से आपको क्लैरिफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर भी प्रोडक्ट के अंदर भी सेम है, प्रोडक्ट ये फील्ड है उसकी, ओके, उसके अंदर रिकॉर्ड है कस्टमर, तो उसके अंदर फील्ड है ये, ओके, और ये सब डेटा टाइप्स है। तो देखो स्मॉल इंटीजर यूज किया है, कहीं टाइम इंटीजर यूज किया है, कहीं पे बुलियन यूज किया है, बुलियन का आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आता है या यस है नो के अंदर आता है। कार होल्डर है उसमें भी ऐसा ही होता है। तो उसका सिंपल एक टेबल बना के आज मैं प्रैक्टिकल आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेप नंबर 4, डिसाइड द की फील्ड टेबल, उसको हम यूनिक इंपॉर्टेंस का क्लैरिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं की फील्ड, कौन सा है लाइक प्राइमरी की। प्राइमरी की का रूल्स क्या होता है, व्हाट इज अ प्राइमरी की, यूनिक होना चाहिए, की फील्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द फील्ड कैपेबल आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली, उसके रूल्स क्या है, प्राइमरी की कैन नॉट बी कंटेन डुप्लीकेट और नल नहीं होना चाहिए। ओके, एक तो ब्लैंक नहीं होना चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो उसका मीनिंग क्या होता है ये, ओके, ये पॉइंट्स होगा नल वैल्यू। उसके बाद देखो यहाँ पर प्राइमरी की कंपलसरी ईच टेबल के अंदर होना चाहिए, टेबल के अंदर प्राइमरी की ऐड करना है। प्राइमरी की का दूसरा यूज करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है कंपोज प्राइमरी की, एक ही टेबल में मोर देन वन प्राइमरी की हो उसको क्या बोला जाता है कंपोज प्राइमरी की। ओके, तो ये वो उसका मेन यूज। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं ओपन ऑफिस बेस के अंदर एप्लीकेशन ऑफिस एंड ओपन ऑफिस ORG 3.2 बेस। हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन सा है, ओपन ऑफिस, ओके 3.2, हमारे यहाँ पे वर्जन है 3.2। आपको पूछा डेटाबेस विजार्ड के स्टेप कितने हैं, 2, सिलेक्ट डेटाबेस एंड सेव द प्रोडक्ट। बाय डिफॉल्ट न्यू डेटाबेस हम डिजाइन करते हैं, डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या होता है बोलो, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस, ODB .odb। और आपको पूछा है टेबल विजार्ड, टेबल विजार्ड देखो .odb एक्सटेंशन है, टेबल विजर के स्टेप कितने हैं, 4, ये सब नोट डाउन करते जाना टेक्स्ट बुक के साथ साथ।
कौन सा हो जाए, टेबल फील्ड, टेबल ओके, उसके अंदर टेबल विजार्ड। सेट टाइप्स ऑफ द फॉर्मेटिंग प्राइमरी की एंड टेबल की, जिसे आपको पूछा गया टेबल विजार्ड का यूज करके कितनी कैटेगरी डिस्प्ले होती है, तो टू, बिजनेस एंड पर्सनल। अब ये सब तो आपको मालूम ही है। इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर मैंने ये सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट किया और डायरेक्टली टेबल का रिकॉर्ड एंट्री करना स्टार्ट करना है। इसके बाद कुछ भी एडिटिंग करना हो तो एडिटिंग करने के लिए दिखाओ टेबल, क्वेरी फॉर्म एंड रिपोर्ट। टेबल बनाने की मेथड कितनी है, थ्री। क्वेरी बनाने की मेथड थ्री, कौन सी, डिजाइन, विजार्ड एंड एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। देखो एसक्यूएल अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो के अंदर एसक्यूएल का एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है। ओके आप देखोगे तो वीडियो के अंदर मैंने एक्स्ट्रा क्यों स्टडी करवाया कि कई स्टूडेंट है जो स्कूल में अभी फिजिकली मिले ही नहीं है, मिले है तो इतना टाइम नहीं मिला कि सब एक्सप्लेन करें, इसलिए मैंने वीडियो के अंदर एक एक स्क्रीनशॉट थ्योरी और प्रैक्टिकल सब समझाया। अभी ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड है। राइट क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो, चेंजेस करना हो तो। ओके इसके बाद आपको पूछा गया फील्ड के कॉलम में टोटल कितने एडिट करके, फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम के अंदर यहाँ पे प्राइमरी की असाइन करना होता है और डेटा टाइप हम लास्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे फील्ड नेम, फील्ड टाइप, फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड फील्ड प्रॉपर्टी। नेम के अंदर जो भी नेम लिखते हैं वो उसको हम एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। फील्ड टाइप मीन्स डेटा टाइप्स टोटल थ्री है, अल्फा न्यूमेरिक, डेटा टाइप एंड नंबर्स। डिस्क्रिप्शन है वो गुड प्रैक्टिस है, वो ऑप्शनल है। और फिर प्रॉपर्टी के अंदर हम वैलिडेशन लाते हैं। वैलिडेशन करना मीन्स व्हाट, कंट्रोल लाना, जैसे डेट है वो डीडीएमएम में चाहिए या वाई डीडीएमएम में चाहिए। टाइमिंग है वो 24 आवर्स का चाहिए या 12 आवर्स का, वो आपको यहाँ से डिसाइड करना होता है। ओके और यहाँ पर भी सेम डिजाइनिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो भी बेनिफिट है तो डिजाइनिंग के अंदर भी कर सकते हो, विजार्ड जो भी आपको स्टेप इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ये ऑटो वैल्यू नो रखेंगे, एंट्री रिक्वायर्ड नो रखेंगे, लाइन 10 रख सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है वो आपको पहले से डिसाइड करके रेडी कर देना है। सेट प्राइमरी की और उसका सिंबल याद रखना, येलो कलर की आता है। ओके उसको एक ही टेबल में मोर देन वन प्राइमरी की हो तो उसको कौन सी की बोला जाता है, कंपोज प्राइमरी की। और जो सेव करने के टाइम जो मेन टेबल है उसको बोलते हैं मास्टर टेबल। ओके उसका प्रैक्टिकल भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फास्ट फॉरम में, जिससे आपके प्रैक्टिकल भी रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट मेनू, मैंने यहाँ पे ओपन ऑफिस थोड़ा न्यू वर्जन है, पर आपको जब एग्जाम के अंदर वर्बली पूछे जाए तो ओपन ऑफिस कौन सा है, थ्री वाला, वही क्लियर करना है। ओपन ऑफिस बेस में स्टार्ट करता हूँ। जैसे ओपन ऑफिस बेस स्टार्ट होता है फ्यू सेकंड के अंदर, ओके सबसे पहले आपको पूछा जाता है टेबल विजार्ड। फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर लेना, टेबल विजार्ड के टू स्टेप है। मैं न्यू डेटाबेस बनाता हूँ, नेक्स्ट, डू यू वांट टू नो, मुझको अभी सेव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सबसे मैं कुछ डेटा सेव नहीं किया, मैं डेटाबेस में यूज करता हूँ .odb एक्सटेंशन लगाया हुआ है, उसकी जगह पे मैं स्कूल का डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्कूल और ODBI। फिनिश करके आप यूज करते हो। ओके मैं ऑल